मध्य प्रदेश में अफसर शाही के बुरे हाल हैं। कहीं अफसर मंत्री के पैरों में नजर आ रहे हैं तो कहीं कलेक्टर मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। हर अफसर अपनी सेटिंग में लगा हुआ है और जो अधिकारी नेताओं को सही गलत बता दे उसे तबादले की गाज झेलना पड़ रही है। कमलनाथ जी, आपके बदलते हुए मध्य प्रदेश में इन दिनों अजब गजब नजारे देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था कि कमलनाथ के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने से आयु में 3 साल छोटे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। इससे पता चलता है कि अपना पद बरकरार रहे उसके लिए लोग क्या क्या नहीं कर सकते। मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बाद अब देवास नगर निगम कमिश्नर संजना जैन का पैर पड़ने का वीडियो सामने आया है। नगर निगम कमिश्नर संजना जैन का गुरु नानक जयंती के कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन वर्मा से सामना हुआ, तो देखिए कमिश्नर साहिबा ने कैसे मंत्री जी के पैर पड़े। इससे जाहिर है सरकार कैसे चल रही है, जहां अधिकारी मंत्रियों और नेताओं के सामने शरणागत और चरणागत हो रहे हैं। ऐसा लगता है इस समय मध्य प्रदेश में कहीं नतमस्तक होकर तो कहीं चरणागत होकर काम निकालने की ट्रिक अफसर सीख गए हैं, या फिर डर के कारण अफसरों का ये हाल है। इस मामले में पहले मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का पक्ष जान लेते हैं। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो काफी देर तक वो सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने जवाब दिया। भाई दूज का मामला है, भाई दूज से मिल नहीं पाया था, आज मिला कई दिनों के बाद, तो आज भी मैं बाहर जा रहा हूँ, कभी 2-3 दिन बाहर रहूँगा तो मिल नहीं पाऊँगा। तो भाई दूज का एक सम्मान छोटी बहन है, उनको सर पे हाथ रखते हैं, छोटी बहन है सर पे हाथ रखते हैं, भावनात्मक रूप से जो भाई दूज के भी उससे मिल नहीं पाई, तो इसलिए आज इतनी देर बाद मिला तो उन्होंने बड़े भाई को सम्मान देते वो दिया। मैं इसको अन्यथा मैं नहीं ले रहा हूँ, अब चूँकि मैं राजनेता हूँ, रिश्ते मेरे हो सकते हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं। अधिकारी जब सार्वजनिक रूप से मंत्री और नेताओं के पैरों में नजर आए तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, अधिकारी कानून नियम प्रोटोकॉल तोड़ कांग्रेस नेताओं के शरणागत हो गए हैं। निगमायुक्त ही नहीं कलेक्टर एसपी भी हैं मंत्री के पैरों में। अधिकारियों ने अपने पद की गरिमा ही गिरा दी है। कांग्रेस की सरकार में जितने भी अधिकारी है वो कानून नियम और प्रोटोकॉल से परे होकर काम कर रहे हैं। देवास में इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में आप कलेक्टर और एसपी और निगम आयुक्त को फिर से सज्जन वर्मा के पैर छूते हुए देखेंगे। सज्जन वर्मा यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह सरकार को चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में अफसर शाही के कारण लोकतंत्र भी शर्मा रहा है। ऐसा लगता है इन अधिकारियों का सोचना है शरण में नहीं जाएंगे तो पद से हटा दिए जाएंगे। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर मध्य प्रदेश की नौकरशाही की झुकी कमर का हाल बता रही है। छिंदवाड़ा कलेक्टर जो खुद एक सीनियर आईएएस हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ के उद्योगपति सांसद पुत्र नकुलनाथ के आगे झुके जा रहे हैं। सरकार के आगे नतमस्तक इन अधिकारियों के कारण जहां मध्य प्रदेश जग हसाई का पात्र बनता है, वहीं इस पर जमकर राजनीति भी होती है। शासन और प्रशासन दोनों ही इस समय शरणागत हैं। चरणम शरणम गच्छामि, ऐसी स्थिति देखते हैं तो लगता है कि लोकतंत्र भी शर्मा रहा होगा। अपने पद पे बने रहने की पता नहीं ये आहर्ता तय की है सरकार ने क्या? अगर शरण में नहीं आएंगे तो पद से हटा दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश की ये हालत हो गई है, जो कि चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।